सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जेरार्ड एंड यू आर वाचिंग जेरार्ड कॉम। सो आज मैं आ गया हूँ रंगीत टाटा पे, जो कि सिचुएटेड है टालीगंज कोलकाता में। सो अगर आपको कोई भी टाटा का गाड़ी चेकआउट करना है, बुक करना है, टेस्ट ड्राइव लेना है, नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आप इस नंबर के पे कॉन्टेक्ट करके आप जरूर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो गाइस आज जो गाड़ी हम लोगों के सामने है ये है द 2024 टाटा टियागो, और ये जो वेरियंट है दिस इज द एग्जेक्ट प्लस सिंगल टोन वेरियंट। ये डुअल टोन में भी आपको अवेलेबल मिलेगा। अभी ये हाल ही में अपडेट हुआ है गाइस, ये टाटा टियागो। सो क्या क्या आपको मिल जाएगा मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसके एक शोरूम प्राइस अगर मैं बोलूँ, इसके एक शोरूम प्राइस अराउंड 7,29,000 है। ऑन रोड आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड अगर आप डुअल टोन लेंगे देन आप 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कीजिए, देन आपका 7,39,000 इसका एक शोरूम प्राइस आ जाएगा। इसका की जो है, इसका चाबी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। तीन बटन आपको यहाँ पर मिलता है गाइस, ये आपका गाड़ी लॉक करने के लिए, ये आपका फॉलो मी होम हेडलैम्प्स के लिए है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड ये आपका गाड़ी अनलॉक करने के लिए, यहाँ पर जो है जिस गाड़ी में आपको मिलता है वो है ऑटो फोल्डिंग मिरर, सो आप देख सकते हो। अगर आप लॉक अनलॉक करेंगे इसका जो मिरर है वो फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। इसका जो सेकंड की है वो आपको नॉर्मल सा मिलता है, कोई भी बटन या फ्लिप की आपको नहीं मिलेगा। अब इसके एक्सटीरियर के बारे में अगर बात करूँ गाइस, ये जो एग्जेक्ट प्लस वेरियंट है और ये जो कलर है भाई, मेरा सबसे फेवरेट लुकिंग वेरियंट यही है। एंड इसका सबसे फेवरेट कलर मेरा यही लगता है। तो इसका जो एक्सटीरियर है जो चेंज हुआ है वह आप देख सकते हो। अभी आपको नया टाटा का ये 2D लोगो मिल जाता है, सो काफी अच्छा दिखता है। एक मतलब जो प्रीमियमनेस फैक्टर है इनहांस हो जाता है। यहाँ पर आपको ये टायरों का डिजाइन मिल जाएगा क्रोम पे, सो फुल ग्रिल पे आपको ये डिजाइन मिल जाता है, काफी स्पोर्टी दिखता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये फुल क्रोम लाइनिंग मिल जाता है, जो कि टाटा बोलते हैं ह्यूमैनिटी लाइन। सो ये एक हेडलाइट से एकदम दूसरा हेडलाइट तक चला जाता है। हेडलाइट सेटअप के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है लो बीम पे, हाई बीम पे आपको रिफ्लेक्टर सेटअप मिलता है, बट दोनों ही लाइट आपको हैलोजन में मिलता है। यहाँ पर आपको हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स दिया गया है। नीचे आपको यहाँ पर DRL भी मिल जाता है एज यू कैन सी, एंड नीचे आपको फॉग लाइट्स मिल जाता है। तो आप LEDs में अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड सामने आपको ये स्प्लिटर टाइप डिजाइन भी मिल जाता है। सो काफी स्पोर्टी दिखता है टियागो फ्रॉम द फ्रंट। अभी गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँगा, साइड से काफी एक मतलब स्पोर्टी लुक देता है टियागो। सो यहाँ पर व्हील्स के बारे में अगर बात करूँगा, आपको यहाँ पर डायमंड का ट्रीटमेंट मिल जाता है, एलॉय फिनिश आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 15 इंची का टायर मिल जाएगा, सो टायर प्रोफाइल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, सो आप देख के एक आइडिया बना सकते हो। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है ABS CVT के साथ। एंड यहाँ पर सस्पेंशन ट्रैवल भी आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है। इसका जो ORVMs है, ORVMs आपको ऑटो फोल्डेबल मिलेगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। एंड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसका जो ORVMs है वो आपको ग्लॉस ब्लैक पे मिल जाएगा। डोर हैंडल के बाहर आपको ये क्रोम लाइनिंग मिल जाता है, सो काफी प्रीमियम टच है। यहाँ पर बी पिलर आपको मैट ब्लैक पे मिलता है, कोई सनरूफ आपको कोई भी वेरियंट पे नहीं मिलेगा गाइस टियागो का, सो दैट इज देयर। नॉर्मल सा एक एंटेना मिलता है, कोई भी शार्क फिन ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। पीछे का टायर्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, मतलब सामने डिस्क मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है। एंड इसका जो प्रोफाइल है वो भी सेम है जस्ट लाइक द फ्रंट टायर। एंड चारों व्हील पे आपको ABS CVT मिल जाएगा। अब इसका जो रियर प्रोफाइल है, रियर प्रोफाइल से काफी अच्छा दिखता है टियागो, एक स्पोर्टी सा लुक है। यहाँ पर आपको नया टाटा का लोगो मिल जाता है, टियागो का बैजिंग है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिलेगा। बट एक स्पेशल चीज बताऊं आपको टियागो के बारे में, इसका जो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है बट सेंसर नहीं आता है। एंड इसका जो लोअर वेरियंट है उसमें आपको सेंसर आता है बट कैमरा नहीं आता है। सो ये एक बहुत ही फनी चीज मुझे लगता है टियागो के बारे में। बट एनीवे, यहाँ पर आपको पीछे विंडशील्ड में मिलेगा एक वाइपर डिफॉगर के साथ। एंड ऑब्वियसली आपको हाइमॉन सप्लाई मिल जाता है वॉशर के साथ। यहाँ पर पीछे का जो टेल लाइट सेटअप है ये आपको फुल हैलोजन सेटअप पे मिलता है, सो कोई भी आपको LED ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सो इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, ब्रेक लाइट सब आपको हैलोजन में मिल जाता है, सो आप देख सकते हो। ये आपका पार्किंग लाइट है, ये आपका टर्न इंडिकेटर्स जल जाता है, रिवर्स लाइट भी आपको हैलोजन में मिल जाएगा। पीछे ऑब्वियसली आपको पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है, सो आपको एज एन एक्सेसरी वो लगवाना पड़ेगा। इसका जो बूट है आप यहाँ से ओपन नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है क्योंकि टियागो में इसको अपडेट करना चाहिए टाटा को, आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। सो या एनीवे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये डिसीजन कैसा लगता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पासिल शेल्फ, कोई भी आपको 60-40 स्प्लिट नहीं मिलेगा। एंड कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बूट स्पेस काफी स्क्वेरिश है, तो कोई भी उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्टैप्स मिल जाता है, सो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना चीज आप रख सकते हो। एंड यहाँ पर भी आपको स्टैप्स मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर हुक भी मिलता है, सो दैट इज देयर। बट कोई बूट लैंप आपको नहीं मिलेगा। एंड और एक चीज जो है, इसका जो लोडिंग लिप है थोड़ा सा हाई है, सो थोड़ा चीज आपको उठा के रखना पड़ेगा। बूट स्पेस का जो इन्फॉर्मेशन है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, आप एक आइडिया बना सकते हो। सो बूट करते हैं बंद गाइस एंड चलते हैं अभी रियर सीट पे। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पर आप अंदर देख सकते हो आपको डुअल फिनिश मिलता है ब्लैक और बेज में। ट्विटर का प्लेसमेंट है, क्रोम पे डोर हैंडल है, पावर विंडो का स्विच है, स्पीकर का प्लेसमेंट है, एंड आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा।
यहाँ पर सीट्स के बारे में अगर बात करूँ, मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, फिक्स्ड हेडरेस्ट है, फैब्रिक सीट्स है, सब सीट कवर पहना सकते हो एंड यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाएगा। सो चलिए गाइज अभी बैठते हैं अंदर एंड एक बार इंटीरियर भी चेकआउट कर लेते हैं। सो इसका जो लेगरूम है वो काफी अच्छा है, पीछे आपको सीट बैक पॉकेट मिल जाता है, दो आपको मिलता है, एक यहाँ पर है, एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बट इसका अंडर थाई सपोर्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप थोड़ा नी हाई पोजिशन में बैठते हो, आप देख सकते हो अंडर थाई सपोर्ट में थोड़ा सा लैकिंग है। बीच में आपको मिलेगा यहाँ पर एक कप होल्डर, बट पे एसी वेंट आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी के चौड़ाई के बारे में अगर बात करूँ गाइस, भाई दो बंदे के लिए ठीक है, टिया को ज्यादा चौड़ा गाड़ी नहीं है तो तीन बंदे यहाँ पर फिट नहीं होंगे। बट जो अपडेट हुआ है वो है यहाँ पर, आप देख सकते हो मिडिल पैसेंजर के लिए भी आपको यहाँ पर अभी डेडिकेटेड सीट बेल्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक डोर हैंडल, बट कोई हुक नहीं है, यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर भी आपको कोई हुक नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं इस हेडरूम के बारे में। हेडरूम भाई ठीक ठाक ही है मेरे लिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली भाई एक हैचबैक है, आप एक एसयूवी की तरह तो यहाँ पर हेडरूम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तो दैट इज देयर। सो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है। बट मेरा एक जो प्रॉब्लम है वो है इसका जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स मिलता है। सो लॉन्ग जर्नीज में आपको थोड़ा सा मतलब थकावट हो सकता है, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। सो दैट इज देयर, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ गुड कैबिन। सो चलते हैं गाइज अभी सामने। सो सामने आपको एग्जेट प्लस न्यू अपडेट, एग्जेट प्लस में क्या मिलता है मैं सामने जाके अभी आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज इसका फ्रंट डोर अगर मैं ओपन करूँ, अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको डुअल फिनिश मिलता है, बेज और ब्लैक पे क्रोम पे डोर हैंडल है। यहाँ पर आपको सब ORVM का कंट्रोल्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका पावर विंडो का कंट्रोल्स, विंडो लॉक का स्विच है, नीचे आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस है, आप अपना फोन रख सकते हो, स्पीकर का प्लेसमेंट है। यहाँ पर सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, फैब्रिक सीट्स आपको मिलता है विद दिस टायर और डिजाइन ओवर ईयर, काफी प्रीमियम सीट्स है। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट, बैकरेस्ट एडजस्ट भी मिल जाता है एंड आगे पीछे करने के लिए लीवर आपको दिया गया है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक पॉकेट मिलता है, आप यहाँ पर अपना कॉइन ये सब रख सकते हो। सो अगर मैं अंदर बैठू गाइस, अंदर का एक बार हालचाल देख लेते हैं। सो डोर्स करते हैं बंद। सो जो अपडेट हुआ है गाइस वो है दो जगह, आपको यहाँ पर ये नया टाटा का लोगो मिल जाता है जो कि काफी अच्छा दिखता है इन माय ओपिनियन, पहले लोगों से काफी अच्छा दिखता है। एंड जो अपडेट और एक हुआ है, आपको यहाँ पर USB टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि पहले आपको नहीं मिलता था। USB टाइप ए तो है ही आपका एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के लिए, बट USB टाइप सी का भी आपको पोर्ट अभी मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसका जो इंटीरियर है आपको डुअल फिनिश में मिलता है गाइस, ब्लैक और बेज पे। यहाँ पर अगर मैं ग्लव बॉक्स ओपन करूँ, ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पर कूलिंग फंक्शन मिल जाता है बट कोई लाइट नहीं मिलेगा, बट स्पेस के मामले में काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको मिलेगा हैजर्ड लाइट का स्विच, डुअल एसी वेंट्स है। यहाँ पर आपको ये हार्मन का 8 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, मतलब 7 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। आपको यहाँ पर वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलेगा। सो टच रिस्पॉन्स ठीक ठाक ही है, कोई भी उसमें आपको दिक्कत होगा नहीं। एंड यहाँ पर आपको सब कंट्रोल्स मिल जाएगा आपका सिस्टम के लिए। यहाँ पर आपका फ्रंट फॉग लाइट का बटन है, सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। इस वेरिएंट पे आपको ऑटो एसी मिल जाएगा। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये आपको ऑटो एसी ऑन करने के लिए, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है। इसका जो एक चीज मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर आपको एसी का इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आप यहाँ से भी अपना एसी जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। सो वो एक मुझे काफी अच्छा चीज लगता है। यहाँ पर आपका फ्रंट डिफॉगर, एयर डिफॉगर, एयर सर्कुलेशन और कहाँ पर आप एयर भेजना चाहते हो वो आप ये सब बटन के साथ कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा एक पॉकेट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एडेप्टिव गाइडलाइंस, नहीं एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको नहीं मिलता है, बट हाँ सेंसर के इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा गाइस, वो आप एज एन एक्सेसरी लगवा सकते हो। आपको यहाँ पर मिलेगा एक मैनुअल हैंड ब्रेक, डुअल कप होल्डर्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस है, कॉइन वॉइन रख सकते हो। ऊपर आपको यहाँ पर मिलेगा एक मैनुअल डिमिंग ORVM जैसे कि आप लोग देख सकते हो। वाइजर में आपको मिलेगा एक मिरर बट कोई लाइट नहीं है। एंड ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक टिकट होल्डर, कोई मिरर या लाइट आपको नहीं मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील तो भाई मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, नया लोगों के साथ है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल, यहाँ पर आपको मिलेगा सब इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए बटन, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटो वाइपर्स। सो भाई टियागो में आपको ऑटो वाइपर मिलता है बट क्रेटा में नहीं मिलता है। सो या सो ये एक अच्छा चीज है गाइस, आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा हेडलाइट का कंट्रोल्स। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अभी आपको भाई नया जो पंच आया है उसमें भी आपको मिलता है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडो रीडिंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, आउटसाइड टेम्परेचर, यहाँ पर आपको TPMS मिल जाएगा, ये आपका स्पीड इन डिजिटल है, आउटसाइड टेम्परेचर है, गाड़ी का टैकोमीटर यहाँ पर है, टेम्परेचर लेवल इज हियर एंड फ्यूल लेवल इज हियर। विजिबिलिटी के बारे में अगर बात करूँगा, इस विजिबिलिटी टियागो में काफी अच्छा है, कॉम्पैक्ट सा गाड़ी है, सो आपको शहर में कोई दिक्कत नहीं होगा चलाने में। ऑब्वियसली बोनेट तो आपको दिखेगा नहीं बट ओवरऑल इट्स अ प्रीटी गुड कार। साइड का भी विजिबिलिटी काफी अच्छा आप देख सकते हो, पीछे का भी विजिबिलिटी आपको अच्छा खासा ही मिल जाता है एंड उस साइड का भी आपको अच्छा खासा ही मिल जाएगा। सो गाइज ये था मेरा डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2024 टाटा टियागो एग्जेट प्लस, मतलब अपडेटेड टाटा टियागो एग्जेट प्लस वेरियंट। सो अगर आपको इंटीरियर रिव्यू पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक।
because it will really help the video and also the channel. So guys, ye tha mera detailed review on the all new 2024 updated Tata Tiago XZ Plus variant. So guys, agar aapko ye video pasand aaya, video ko like karna mat bhuliye and ye video ko share bhi karna mat bhuliye, kyunki bhai टाटा टियागो आप लोगों को पता है ग्लोबल एनकैप में इस गाड़ी को 4 स्टार मिला था। सो काफी सेफ भी है, फीचर्स वाइज भी अभी आपको थोड़ा मोटा थोड़ा थोड़ा मतलब अपडेट भी कर दिया है टाटा ने। सो व्हाट इज अ प्रीटी गुड लुकिंग एंड स्पोर्टी कार एंड अगर आपको टाटा का मतलब इंडियन गाड़ी लेना है देन तो भाई ये गाड़ी आपके लिए है, फैमिली का फर्स्ट गाड़ी आप ले सकते हो ये गाड़ी। सो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही था, सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन चाओ।